नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। राजनीति काफी क्रूर होती है, क्योंकि जब तक आप ताकतवर होते हैं बस तभी तक दूसरा आप पर हमला नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही आप कमजोर हुए आप पर ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाते हैं। और अब मोदी कमजोर हुए हैं, इसी का नतीजा है कि अब मोदी की सबसे खास स्मृति ईरानी ने हमला बोला है। एक पुरानी कहावत के अनुसार जब केंद्र में राजा कमजोर होता है तो राज्यों के शत्रप बगावत कर देते हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ भी अब यही हो रहा है, क्योंकि मोदी अल्पमत में है। ऐसे में नाराज नेता हमलावर हैं और विरोधियों के साथ मिलकर साजिश रचने में लगे हुए हैं, और जिससे मोदी नफरत करते हैं उस नेता का नाम लेकर अपने खास तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसी कड़ी में मोदी की खास माने जाने वाली नेता स्मृति ईरानी ने कुछ दिनों पहले राहुल गांधी की शान में कसीदे कड़े, उसी को लेकर राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व दैनिक भास्कर के संपादक श्रवण गर्ग ने कहा कि राहुल गांधी की ईरानी ने तारीफ नहीं की है बल्कि बीजेपी का चीड़ पाड़ कर दिया है। गर्ग ये भी कहते हैं कि ईरानी ने जो बोला वो काबिले तारीफ है और बीजेपी को आईना भी दिखाया। स्मृति ईरानी ने जो बोला वो कंगना के विरोध में बोला है और कंगना को ध्वस्त कर दिया है। गर्ग आगे ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो आप चाल चल रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, जिस भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो काम के लायक नहीं, आप पीएम हैं और आपकी भाषा खतरनाक नहीं होनी चाहिए। स्मृति ईरानी इससे आगे बढ़कर कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपका इकबाल अब खत्म हो चुका है और अब जनता से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे गर्ग ने ईरानी के बयान का विश्लेषण किया। इसके साथ ही साथ श्रवण गर्ग आगे कहते हैं कि ईरानी ने जो कहा उसका मतलब हम गलत निकाल रहे हैं और जो ईरानी कह रही हैं वो सही है, क्योंकि सीधे तौर से मोदी या बीजेपी की आलोचना नहीं की जा सकती है। ईरानी सीधे से कभी नहीं कहेंगी कि ये बूढ़ों की पार्टी है और बीजेपी के नेताओं के विचार सांप्रदायिक है, जबकि राहुल गांधी के विचार जोड़ने वाले हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। उनके विचार से देश आगे बढ़ेगा, जनता खुश रहेगी, इसलिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर आपके पास ये विजन है तो हम आपकी भी तारीफ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे श्रवण गर्ग ने ईरानी के बयान को डिकोड किया है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरानी ने ये बयान इसलिए दिया कि उनको साइडलाइन कर दिया गया और उसका बदला लेने के लिए ये बयान दिया है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, ईरानी का बयान निगेटिव ही गया है और सभी का कहना है कि राहुल गांधी की तारीफ कर ईरानी ने मोदी पर ताबड़तोड़ वार किया और याद दिलाया कि मुझे साइडलाइन कर आप रह नहीं सकते।